बॉलीवुड में अपने शानदार अभिनय के लिए जाने जाने वाले अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक बार फिर अपनी एक हरकत की वजह से मुसीबत में पड़ गए हैं। दरअसल नवाजुद्दीन का सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो स्टेज पर राष्ट्रगान के दौरान खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो बात हर किसी को अटपटी लगी वो ये कि नवाजुद्दीन राष्ट्रगान गाते नहीं दिखे। नवाजुद्दीन के इस वीडियो के वायरल होते ही अब लोग सवाल करने लगे कि आखिर नवाज कुछ बोल क्यों नहीं रहे, वो देश के राष्ट्रगान का सम्मान क्यों नहीं कर रहे हैं। कई सवाल अब सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला। सोशल मीडिया पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी इन दिनों अपनी फिल्म रोतू का राज को लेकर काफी चर्चा में है। हालांकि उनके सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने के कारण उनका एक वीडियो है जिसकी वजह से अब वो बुरे फंस गए हैं। इस वीडियो में नवाजुद्दीन सिद्दीकी बाकी लोगों के साथ मंच पर खड़े हैं। वीडियो में सभी लोग राष्ट्रगान गा रहे हैं, लेकिन नवाजुद्दीन ने राष्ट्रगान नहीं गाया। इसके बाद सोशल मीडिया पर वीडियो को लेकर काफी विवाद उठा, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि नवाजुद्दीन अपनी इस हरकत से राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं। इंटरनेट पर यह वीडियो बहुत तेजी से शेयर किया जा रहा है। नवाजुद्दीन की इस हरकत ने सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल कर दिया है। एक यूजर ने लिखा कि मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक था, लेकिन इस वीडियो के बाद आप मुझे पसंद नहीं है। वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि नवाजुद्दीन को सच में शर्म आनी चाहिए। वहीं कुछ यूजर्स ने उन्हें याद दिलाया कि राष्ट्रगान को सम्मान देना चाहिए। वहीं कुछ लोग ये भी पूछते नजर आए कि आखिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी राष्ट्रगान क्यों नहीं गा रहे हैं, जबकि मंच पर बाकी लोग राष्ट्रगान का सम्मान कर रहे हैं। जहां नवाजुद्दीन की काफी किरकिरी हो रही है, वहीं कई यूजर्स ने अभिनेता को सपोर्ट भी किया। एक फैन ने लिखा, राष्ट्रगान गाना हमेशा अनिवार्य नहीं होता, लेकिन सम्मान जरूरी है। वहीं दूसरे फैन ने लिखा कि शायद उन्होंने मन में पढ़ लिया है। इस इंसिडेंट के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।